Hello my dear students and my dear friends, welcome back once again. Dear students, WHO के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, आपको यह अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हर मिनट 13 लोगों से अधिक लोगों की जान जा रही है, लोगों का जीवन समाप्त हो जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक आंकड़ा दिया 2018 में, जिसमें यह बताया कि भारत में हर साल 3 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से सबसे अधिक आंकड़ा जो आया है वह कंस्ट्रक्शन फील्ड से आया हुआ है। अर्थात भारत में जितने भी कंस्ट्रक्शन फील्ड्स हैं उनसे जो मौत के आंकड़े आते हैं वह इस कारण से संबंधित है। आखिर वह कौन सा कारण है जिसके वजह से इतने लोगों की जान जा रही है? जी हाँ, यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। डियर स्टूडेंट्स, हर मिनट में 13 लोगों से अधिक लोगों की जान चली जा रही है, उनकी दुनिया उजड़ जा रही है और देखते ही देखते घर परिवार और सारा संसार उजड़ जा रहा है। देखते ही देखते इन लोगों का परिवार अनाथ हो जा रहा है और सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है, तहस नहस हो जा रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे यह किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है? जी हाँ, यह जो हो रहा है इसका कारण यह है। एक मिनट में 13 से अधिक व्यक्ति शराब पीने से मर रहा है। जी हाँ, भारत में यह चौंकाने वाले नतीजे हैं। 2018 से लेकर के अब तक जो ये आंकड़े आए हुए हैं, 2018 का आंकड़ा था 3,22,000 लोगों का, जो उस साल 2018 में शराब पीने से उनकी मौत हो गई थी और कई बीमारियों के शिकार हो गए थे बहुत कम समय में। और इनका जो एज रहा है, जो इनकी आयु रही है, वो बहुत ही कम रही है। इसमें इनकी आयु जो पाई गई 18 वर्ष से लेकर के और 35 वर्ष की आयु पाई गई है। सबसे अधिक आंकड़े कंस्ट्रक्शन फील्ड से आ रहे हैं। जी हाँ, यह अपने आप में एक सोचने वाला विषय है और समझने के लिए जरूरी है, समझना जरूरी है। यदि हम और आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं या वे लोग काम करते हैं और किसी न किसी वजह से शराब के लत से लत लग गई, शराब से अडिक्ट हो गए, तो उनका जीवन समझिए बर्बाद हो सकता है, पूरा जीवन तहस नहस हो सकता है। यदि समय रहते हुए उन्हें न रोका गया तो उनका परिवार, उनका सब कुछ उजड़ जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। आइए जानते हैं कि यह आंकड़े कैसे आए और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें ग्रसित करती हैं और देखते ही देखते हमें पता भी नहीं चलता है और हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। शराब पीने से शरीर में क्या परिवर्तन होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर एक शराब की शीशी पर, हर एक शराब के बॉटल पे यह लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी शराब आपके देश में बनता है, शराब बेचा जाता है, शराब से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। लेकिन यह दुनिया जानती है कि शराब अर्थात मौत, शराब मौत का दूसरा नाम शराब है, अल्कोहल है, लेकिन फिर भी इसके शौकीन की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े में यह देखा गया है कि देश के युवा पीढ़ी जो है इसके तरफ काफ़ी तेजी से अट्रैक्ट हो रही है और वो शराब का लत उसे लगता जा रहा है। कभी हिंदुस्तान में एक या दो जगह कभी शराब की दुकानें हुआ करती थीं। कभी एक ऐसा समय भी था कि हिंदुस्तान में शराब कोई पीता ही नहीं था, लेकिन धीरे ही धीरे आज हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में एक अंग्रेजी शराब की दुकान और एक देसी शराब की दुकान, वो भी सरकार ने लाइसेंस देकर खोल दिया है। अर्थात अगर यूं कहें तो सरकार ही वह व्यक्ति है जो मौत का सौदा कर रही है, मौत का सौदागर है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? यह सरकार का ये कहना है कि हमने आपको आगाह किया कि यह जानलेवा है, यह हानिकारक है, उसके बाद भी अगर आप पीते हैं तो हमारा क्या दोष है? यानी हमारी मजबूरी से, हमारी मौत से, हमारी बर्बादी से भी सरकार कमाने का कार्य करती है, अपना रेवेन्यू भरने का कार्य करती है और तमाम तरह के वादे भी करती है कि यह पैसे आपके हित के लिए खर्च किए जाते हैं। अगर शराब बंद हो जाए, शराब की लत खत्म हो जाए, तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है और हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी से बहुत ज़्यादा दवा की कंपनियां, हॉस्पिटल इत्यादि चल रहे हैं।
बहरहाल हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि शराब पीने से नुकसान क्या होता है। हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व की बात करें तो वहाँ शराब की सप्लाई होती है, शराब बनाया जाता है और दुकानों में बेचा जाता है, अर्थात मौत को बेचा जाता है और हम हंसी हंसी पैसे दे करके मौत को खरीदते हैं और देखते ही देखते अपनों को छोड़ करके, उन्हें बेसहारा छोड़ करके इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। शराब आपकी दुनिया बर्बाद कर देगी। जी हाँ, शराब आपकी दुनिया बर्बाद कर देगा। कैसे? शराब से होने वाले कुछ नुकसानों के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सारे नुकसान तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे नुकसान हैं जो जानलेवा हैं और जो आपके जीवन को नरक बनाकर रख देता है और बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। जी हाँ, शराब से 144 तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही बीमारियों के बारे में बात करेंगे। शराब पीने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और वह व्यक्ति नपुंसक बन जाता है, जिसे इम्पोटेंसी कहा जाता है। जी हाँ, बच्चे पैदा करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। आप ये जान लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है वह पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है। पुरुषों में इसकी मात्रा अधिक होती है और महिलाओं में इसकी मात्रा कम होती है। यही दाम्पत्य जीवन में उस सुख को देने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जैसे ही हम शराब पीते हैं तो यह हार्मोन हमारे शरीर से समाप्त होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि यह बिल्कुल समाप्त हो जाता है और पुरुष जो है नपुंसक बन जाता है, यहाँ तक कि महिलाएं भी धीरे धीरे नपुंसक बन जाती हैं। आपका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त हो जाता है और आपका जीवन कलहमय हो जाता है सिर्फ एक शराब से। नौबत डाइवोर्स तक चली जाती है, कोर्ट तक चली जाती है, क्योंकि अब एक अंतिम जरिया यही बचता है, तलाक। आज की बहुत सी युवा पीढ़ी ऐसी हैं जो जिनका वैवाहिक जीवन कुछ ही दिनों बाद समाप्त हो गया, क्योंकि उनको शराब की लत थी, शराब की आदत थी। यदि एक बार टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन खत्म हुआ तो चाहे आप कितनी भी दवा कराइए, यह पहले वाली अवस्था में नहीं आएगा। थोड़े बहुत सुधार जरूर हो सकते हैं, लेकिन वह स्थिति नहीं आएगी। शराब पीने से, शराब का सेवन करने से लीवर की बीमारी होती है, जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। इसके अलावा लीवर कैंसर भी होता है। यह एक जानलेवा बीमारी है जो मौत के बाद ही साथ छोड़ती है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, यह बात बताना जरूरी था कि किस तरह से शराब हमें मौत के आगोश में ले रही है। यह जरूरी है कि इसके बारे में आप अवेयर हों और जागरूक हों, ताकि आप अपने जीवन को बचा सकें, आप अपनों के सहारा बने रहें, कभी उनका साथ न छूटे और आपके परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और आपका जीवन भी लंबा हो। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, यह सुनने में तो आता है या देखने में भी तो आता है कि शराब नुकसानदायक है, लेकिन जरा WHO का यह आंकड़ा अगर देखें कि शराब से हर साल कितने लोग मर जाते हैं, तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, हर साल लगभग 3 लाख से अधिक लोगों की मौत शराब पीने से हो जाती है, अर्थात लगभग हर साल भारत में 3 लाख परिवार बेसहारा हो जाता है, बेघर हो जाता है, उनकी दुनिया उजड़ जाती है। एक बेटा का सहारा छिन जाता है, एक बेटी का सहारा छिन जाता है और यहाँ तक कि एक पत्नी भी विधवा का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है। हर घंटे में लगभग 822 लोग मर रहे हैं शराब पीने की वजह से। जी हाँ, शराब पीने की वजह से हर घंटे 822 लोगों की मौत हो जाती है, जिसका जिम्मेदार एकमात्र शराब है। यदि हम इसको समझ लें, यदि हम इसको जान लें, तो हम इस मौत से दूर रहेंगे, इस बला से दूर रहेंगे। लेकिन आज हर एक छोटी बड़ी पार्टी में देखिए, यह एक शौक बन चुका है और एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। अगर किसी पार्टी में शराब नहीं, और यदि आप सबर शराब नहीं पीते हैं, तो आपसे बड़ा गंवार कोई भी नहीं है, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट, इसके पीछे का वजह क्या है? बेवकूफ होना जरूरी है। बेवकूफ हम बने रहेंगे, हमारा जीवन बचा रहेगा और हम अपनों का सहारा बने रहेंगे। हर मिनट में लगभग 13.7 लोगों की मौत हो रही है सिर्फ शराब की वजह से। यदि शराब ही वह सारी बातों का जड़ है, तो क्या इसे हम छोड़ नहीं सकते? क्या हम इसे समाप्त नहीं कर सकते? अपने जीवन से शराब को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहिए। वक्त यह है, क्योंकि धीरे धीरे
शराब में भी वो मिलावट आ रहा है, अब वह शराब नहीं है कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जब पहले ही लिखा जा चुका है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो जरा खुद सोचिए कि क्या यह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। सबसे महंगा शराब, सबसे अधिक खर्च होता है शराब के ऊपर आपका पैसा। तो अपने पैसे को बचाइए, अपने लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट को बचाइए, कहीं ऐसा तो ना हो कि आपका साथ छूट जाए, आपका साथ अपने परिवार से छूट जाए, आपका साथ आपके माता पिता से छूट जाए, आपका साथ आपकी पत्नी से, आपके बच्चे से और आपकी बिटिया से छूट जाए। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मकसद यह था बताना, मर्जी आपकी, इसके बाद भी यदि आप शराब नहीं छोड़ते हैं, नहीं करते हैं, तो ये आपकी मर्जी, यह आपका जीवन है, अपने जीवन को आप बर्बाद करें या उस पर आपका अधिकार है। लेकिन एक बार जरूर सोचिएगा कि उससे ज़्यादा उन लोगों का भी अधिकार है जो लोग आप पर भरोसा करते हैं, जो जिन लोगों का आप सहारा है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि यह आंकड़ा आपके जीवन को बचाने के लिए कारगर सिद्ध होगी। यदि कुछ लोग भी इस आंकड़े को देखकर, यह बातें जानकर अगर शराब से दूरी बना लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत सफल हुआ। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे एक नई चीज़ों को लेकर, एक नई आश्चर्यजनक बातों को लेकर जो आपके जीवन से संबंधित होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। वंस अगेन शराब जानलेवा है, इसे छोड़ने में ही भलाई है। मौत को दावत न दीजिए, अपने परिवार की खुशियों को दावत दीजिए। थैंक यू।